शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम भारत की वंशावली को, जो आप पिछली फिल्मों में पुरुर्वा और उर्वशी के प्रसंग तक चंद्रवंश की वंशावली की कथा सुन चुके हैं, और उनके जो सात पुत्र हुए पुरुर्वा के उर्वशी के गर्भ से, वहाँ तक का विस्तार आप सुन चुके हैं। अब आप उनके पुरुर्वा के सात पुत्रों की जो आगे जो वंश चला है, उसकी वंशावली का जो सत्र है, कथा है, उसे हम आगे यहाँ इस फिल्म में वर्णन कर रहे हैं। तो पीछे आप चंद्र और इलाबुद और पुरुर्वा की उत्पत्ति और पुरुर्वा की संतानों की उर्वशी के गर्भ से उत्पत्ति, अब अप्सरा के से, ये सब पीछे वर्णन किया जा चुका है पिछली फिल्मों में। अब आप इससे आगे जो पुरुर्वा और उर्वशी के जो पुत्र हुए, उनकी जो वंशावली चली है, आप यहाँ पर उसका वर्णन हम इस फिल्म में करने जा रहे हैं, उसे सुनेंगे। हाँ, तो ये जो ग्रंथ में वर्णित है शास्त्रों में, हम उसको ज्यों का त्यों यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। पुरुर्वा के द्वितीय पुत्र अमावसु के वंश का वर्णन, विश्वामित्र और परशुराम की उत्पत्ति। तो ये जो श्लोक है, शुरुआती श्लोक में यहां मैं उच्चारण करता हूं। एल पुत्रा बहुवस्ते सर्वे देवसुतोपमा दिव्यजाता महात्मान आयुर्धि मानवावसु विवावुश्चैव धर्मात्मा श्रुतायुश्च तथात्पर दृढ़ायुश्च वनायुश्च शतायुष्यो उर्वशी श्रुता। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय सिंह तोमर, पुरुर्वा के सभी पुत्र देव कुमारों के तुल्य थे, देव पुत्र थे, वे सब महात्मा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, आयु बुद्धिमान, अमावसु धर्मात्मा विश्वायु, श्रुतायु दृढ़ायु, वनायु और शतायु। अमावस के राजा भीम और नग्नजित नामक पुत्र हुए, और भीम के पुत्र श्रीमान राजा कांचन प्रभु हुए, कांचन के महाबली पुत्र सुहोत्र हुए जो बड़े विद्वान थे, सुहोत्र के केशनी के गर्भ से जनु नामक पुत्र हुए जिन्होंने सर्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। ये जो जनु राजा थे, जिसमें बहुत बड़ा अन्न सत्र होता है, उन्होंने इस बहुत बड़े अन्न सत्र का सर्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। तो गंगा जी जो है, उनको पति बनाने के लिए लोभ से और मोहित होकर या सम्मोहित होकर उनके समीप गई थीं, परंतु जब उन्होंने इस बात की इच्छा न की, तब गंगा जी ने उनकी सभा को जल से भर दिया था। यानी गंगा जी नाराज हुई, क्योंकि उन्होंने उनके उसको प्रेमाग्रह को ठुकरा दिया, तो उन्होंने उनकी पूरी सभा को जल से भर दिया। तो हे भरतसत्तम, सुहोत्र पुत्र जन्नू ने अपनी यज्ञवाट को गंगा जी के द्वारा डूबता हुआ देखकर क्रोध में भरकर गंगा जी से कहा, गंगे, मैं तेरे इस जल को पीकर तेरे यत्न को व्यर्थ किए देता हूं, तू अपने अभिमान का फल शीघ्र ही पाले। तदनंतर उन राजर्षि ने गंगा जी को पी लिया।
यह देखकर महर्षियों ने महाभागा गंगा जी को उनकी पुत्री मानकर उसका नाम जाह्नवी रख दिया। यानी जो जन्नू राजा थे तो उन्होंने उसको गंगा को पूरी को पी लिया, तो उसका नाम जो है वो महर्षियों ने गंगा जी को उनकी पुत्री माना और उसका नाम जाह्नवी रख दिया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी पड़ गया। जनु ने यवनाश्व की पुत्री कावेरी से विवाह किया था, जिसे यवनाश्व के शाप से गंगा ने अपने ही आधे भाग द्वारा प्रकट किया था। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ साध्वी कावेरी जन्नू की भार्या हुई, यानी कि जन्नू की पत्नी बनी कावेरी, और गंगा जी ने अपने ही आधे भाग से कावेरी को प्रकट किया था। तो यहां पर यह रहस्य है। जनु ने कावेरी के गर्भ से सुनेह नामक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया। सुनेह के पुत्र अजक हुए, अजक के पुत्र राजा बलकाश्व हुए। उनको मृगया का व्यसन था। उनके पुत्र कुश हुए, कुश के देवताओं के समान कांतिमान कुशिक, कुशनाभ, कुशाम्ब और मूर्तिमान नामक चार पुत्र उत्पन्न हुए। राजा कुशिक वनवासी पल्लवों के साथ पलकर बड़े हुए। उन्होंने इंद्र के समान प्रभाव वाले पुत्र को पाने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। तब इंद्र उनके भय से स्वयं ही उनके यहां पुत्र बनकर उत्पन्न हो गए। यानी राजा कुशिक जो थे वो वनवासी जो पल्लव थे उनके साथ में पलकर बड़े हुए थे, और उन्होंने बहुत तपस्या प्रारंभ करी कि इंद्र जैसा उनके यहाँ पुत्र हो। तब इंद्र घबरा गया और भय से जो है स्वयं ही उनके यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हो गए। तो राजा कुशिक को जब तप करते हुए 1,000 वर्ष पूरे हो गए, तब इंद्र का ध्यान कुशिक की ओर गया। 1,000 नेत्रों वाले पुरंदर इंद्र ने राजा को अति उग्र तप करके पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ देख उनके वीर्य में अपने अंश को स्थापित कर दिया। इस प्रकार देवेंद्र पुरुषोत्तम सुरोत्तम कुशिक के पुत्र बने थे। इस प्रकार इंद्र स्वयं कुशिक के पुत्र कौशिक गाधि बनकर उत्पन्न हुए थे। उनका नाम कौशिक गाधि गाधि पड़ा था। राजा कुशिक की पत्नी पुरकुत्स की पुत्री थी। उसके गर्भ से ही गाधि उत्पन्न हुए थे। गाधि की महाभाग्यवती शुभ कन्या का नाम सत्यवती था। राजा गाधि ने सत्यवती का विवाह भृगुपुत्र ऋचीक के साथ कर दिया था। सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋचीक ने अपनी पत्नी के ऊपर प्रसन्न होकर उसके और गाधि के लिए पुत्र देने वाला एक चरु बनाया। तदनंतर सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋचीक ने सत्यवती को बुलाकर कहा, तू इस चरु का उपयोग करना। और एक दूसरा चरु और बनाया और कहा कि इस दूसरे चरु का उपयोग करने के लिए अपनी माता से कहना। यानी एक चरु का उपयोग तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए वो दिया और दूसरा उनकी माता के लिए बनाया। तो उसमें ये विशेषता थी, उन्होंने बताया कि तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ, दीप्तिमान, संसार में क्षत्रियों से अजेय और बड़े बड़े क्षत्रियों को दबाने वाला होगा। हे कल्याणी, यह चरु तुम्हें भी अत्यंत धैर्यधारी, तपोनिधि, शांत स्वरूप, द्विजश्रेष्ठ पुत्र देगा। तो ये मतलब उनके जो माता के पुत्र होना था वो क्षत्रियों से अजेय, बड़े बड़े क्षत्रियों को दबाने वाला और संसार में क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ, दीप्तिमान, ऐसा होना था। और उनकी पत्नी से जो पुत्र होना था वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न होना था,
तब उन्होंने कहा कि ये चरु तुम्हें भी धैर्यधारी तपोनिधि शांत स्वरूप द्विज श्रेष्ठ पुत्र देगा। सदा तपस्या में ही तत्पर रहने वाले भृगुनंदन ऋचीक अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर तप करने के लिए वन में चले गए। उसी समय राजा गाधी अपनी भार्या के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपनी पुत्री को देखने के लिए ऋचीक ऋषि के आश्रम पर आए। तब सत्यवती ने ऋषि के दिए हुए दोनों चरुओं को ग्रहण करके उन्हें यत्न पूर्वक अपनी माता के सामने लाकर रख दिया। तब देववश यानी कि कुछ ऐसा देवीय संयोग बन गया कि माता ने चरु बदलकर पुत्री को अपना चरु दे दिया और उसने अज्ञानवश पुत्री के चरु को स्वयं खा लिया, यानी चरु बदल गए। जो माता के लिए बनाया गया था तो वो तो पुत्री को दे दिया और जो पुत्री के लिए बनाया था वो उसको माता ने खा लिया। तदनंतर सत्यवती ने क्षत्रियों का संहार करने वाले गर्भ को धारण कर लिया और अपने शरीर की कांति के कारण घोर दिखने लगा, क्रूर दिखने लगा। उसको देखकर ऋषि ने ध्यान के द्वारा सारी बातों को जान लिया। फिर द्विज श्रेष्ठ ऋचीक का ऋचीक ऋषि अपनी श्रेष्ठ अंगों वाली भार्या से कहने लगे। उन्होंने मतलब ध्यान में सारी बातें जान ली और फिर जो द्विज श्रेष्ठ ऋचीक ऋषि थे वो अपनी श्रेष्ठ अंगों वाली भार्या से बोले कि हे भद्रे, माता ने तेरी ने तुझे ठग लिया है। चरु में उलट फेर होने से तेरा पुत्र अत्यंत दारुण क्रूर कार्य करने वाला होगा और तेरा भाई तपस्या का धनी और ब्रह्म स्वरूप होगा। मैंने तप के द्वारा उस चरु में सारा वेद भर दिया था। पति के इस प्रकार कहने पर महाभाग्यवती सत्यवती स्वामी को प्रसन्न करके बोली, मेरा पुत्र ऐसा ब्राह्मणा धम न हो, यानी ब्राह्मण अधम न हो। तब मुनि ने उससे कहा, हे भद्रे, पिता अथवा माता के कारण ही पुत्र क्रूर कर्म करने वाला हो जाता है। मैंने तो उस उग्र कर्म करने वाले पुत्र की कामना की ही नहीं थी, परंतु तेरी ही असावधानी से चरु का उलटफेर हो गया है। अतएव ऐसा ही पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहने पर सत्यवती ने फिर से कहा, हे मुने, आप चाहें तो तीनों लोकों का निर्माण कर सकते हैं, फिर पुत्र की तो बात ही क्या है। आप तो मुझे शंपरायण सरल पुत्र ही प्रदान करें। हे प्रभो, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि इस बात को पलटा न जा सके तो भले ही आपका और मेरा पौत्र ऐसा हो जाए। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसके ऊपर अनुग्रह किया और कहा, भद्रे वरवर्णिनी, मैं पुत्र और पौत्र में कुछ भेद नहीं समझता, अतः तूने जो कहा है वह वैसा ही होगा। तदनंतर सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण जितेंद्रिय तथा शम से संपन्न थे। शम यानी मनोनिग्रह से संपन्न थे। तो भृगुवंशी ऋचीक मुनि ने पूर्व काल में जो देवताओं की आराधना की थी उसी के प्रभाव से रुद्र और विष्णु के अंशभूत उन दोनों चरुओं में उलट फेर हो जाने पर भी वैष्णव चरु के अंश से शांत स्वभाव जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। सत्यवती सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। यही कौशिकी नाम से विख्यात महानदी हुई। इसी का नाम कौशिकी नाम की जो महानदी है, इसी पुण्यात्मा स्त्री जो सत्यवती थी उसी का नाम हुआ। इक्ष्वाकु वंश में
यानी अब ये सूर्यवंश में बात आ गई, इक्ष्वाकु वंश की जो बात आई, तो इक्ष्वाकु वंश में, सूर्यवंश में रेणु नामक नाम वाले एक नरेश थे। रेणु उनका नाम था, नरेश का रेणु। उनकी कन्या महाभागा रेणुका थी, तो उनकी कन्या का नाम था रेणुका, जिसका दूसरा नाम कामली भी था, यानी उसी रेणुका का नाम कामली भी था। उस रेणुका या कामली के गर्भ से तपस्वी एवं विद्वान ऋचीक पुत्र जमदग्नि ने अत्यंत कठोर स्वभाव वाले परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण और क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। इस प्रकार औरव नाम से प्रसिद्ध ऋचीक मुनि के तपोबल से, उनकी पत्नी सत्यवती के गर्भ से, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी जमदग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ऋचीक के मझले पुत्र पुनःशेप और छोटे पुत्र शुनःपुच्छ थे। इधर कुशिक नंदन महाराज गाध ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्रकट किया, जो तपस्वी विद्वान और शांत थे। वे ब्रह्मर्षि की समता पाकर सप्तर्षियों में प्रतिष्ठित हुए हैं। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। वे कुशिक वंशी राजा गाद के यहाँ भृगवंशी ऋचीक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। विश्वामित्र के देवरात आदि बहुत से पुत्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके नाम अब आप मुझसे सुनिए। हे भारत, देवश्रवा कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति और हिरण्याक्ष, ये तीनों शालावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उनकी दूसरी स्त्री का नाम रेणु था, जिससे रेणुमान, सांकृति, गालव, मुदगल, मधुच्छंद, जय तथा देवल उत्पन्न हुए थे। अष्टक, दृषद्वती या माधवी, ये दो नाम थे, उनके गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। कच्छप और हरित भी विश्वामित्र के ही पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं। अब यहाँ पर इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्रों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। ओम नमः शिवाय। नमः, क्षमा करें, किंचित व्यवधान आए। अब हम इस वंशावली कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो देवश्रवा कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति और हिरण्याक्ष, ये तीनों शालावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनकी दूसरी स्त्री का नाम रेणु था, जिसे रेणुमान, सांकृति, गालव, मुदगल, मधुच्छंद, जय तथा देवल उत्पन्न हुए थे। अष्टक, दृषद्वती और माधवी उन्हीं का नाम है, उनका पुत्र था। कच्छप और हरित भी विश्वामित्र के ही पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं। अब ये कौशिक वंशी जो हैं, उनके गोत्र जो हैं, अब उनका यहाँ पे विवरण है। तो ये जो है, हे राजन, हे भारत, पाणिन, वभ्रु, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवरात, शालंकायन, वाष्कल, लोहित, यामदूत, कारीशु, सौश्रुत, कौशिक, सेंदवायन, देवल, रेणु, याग्वल्क, अगमर्षण,
रक्षा, सांकल्य, गालव तथा बादरायण, ये तथा और भी बहुत से बुद्धिमान विश्वामित्र के पुत्र थे। कौशिक गोत्री ब्राह्मणों की संख्या बहुत है, यानी कि जो विश्वामित्र के ये पुत्र हैं, इनके जो जो कौशिक जो गोत्र बना, तो ये ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। तो कौशिक गोत्री ब्राह्मणों की संख्या बहुत है, वे अन्य ऋषियों के कुल में विवाह संबंध स्थापित करने के योग्य हैं। तो इस तरह से क्या है कि कुछ कई ब्राह्मण गोत्र हैं जो कि क्षत्रियों के कुल में उनकी विवाह संबंध और रिश्तेदारी के उनको योग्यता और पात्रता प्राप्त है, तो इसलिए यहाँ पर यह श्लोक आया है। कौशिक गोत्री ब्राह्मणों की संख्या बहुत है, वे अन्य ऋषियों के कुल में विवाह संबंध करने स्थापित करने के योग्य हैं, वे क्षत्रियों के साथ में विवाह संबंध उनके होते हैं या हो सकते हैं, वो उनको योग्यता पात्रता है। हे महाराज, राजा ऋषि पौरव तथा ब्रह्म ऋषि कौशिक के कुल में संबंध हुआ है। अब यहाँ पर जो बात कही है उन्होंने, उसमें साथ में उदाहरण भी दे दिया है। राजर्षि पौरव तथा ब्रह्मर्षि कौशिक के कुल में संबंध हुआ है। इस प्रकार इस वंश में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का परस्पर वैवाहिक संबंध विख्यात है। ये वैवाहिक संबंध विख्यात है और ये वैवाहिक संबंध होते हैं। तो वो जो गोत्र ये बताए ऊपर, वो हम बता चुके हैं ऊपर के श्लोक में। तो इन ब्राह्मणों का संबंध जो है क्षत्रियों से वैवाहिक संबंध होता है और इस कई बार हुआ है, इसका ये इसमें वर्णन दे रहे हैं, उल्लेख है जो आगे वंशावली कथा में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो तो सब आगे वंशावली में इसमें मालूम पड़ेगा। विश्वामित्र के पुत्रों में शुनेशेप सबसे बड़े माने गए हैं। मुनि श्रेष्ठ शुनेशेप का जन्म यद्यपि भ्रुकुल में हुआ था, तथापि वे कौशिक गोत्री ही हो गए। कहते हैं राजा हरिदश्व यानी हरिश्चंद्र के यज्ञ में शुनेशेप पशु बनाकर लाए गए थे, उसी समय वे विश्वामित्र के पुत्र हुए। देवताओं ने विश्वामित्र के हाथ में पुनः शुनेशेप को दे दिया था। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वे दैवे रातः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार देवरात नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र के देवरात आदि सात प्रमुख पुत्र थे, उन्हीं से अष्टक का भी जन्म हुआ था जो दृषद्वती का पुत्र था यानी माधवी का। अष्टक का पुत्र लोही बताया गया है। इस प्रकार मैंने जन्मकुल का वर्णन किया, इसके बाद महात्मा आयु के वंश का अब मैं वर्णन करूंगा। ये यहाँ तक जो है उनके पुरवा के पुत्र अमावसु के वंश का जो वर्णन हुआ है, तो ये जन्मकुल कहलाता है। जो अमावसु का वंश है इसको जन्मकुल कहते हैं। तो वहाँ तक ये वर्णन आया है जिसमें बीच में सूर्यवंश से संबंध हुआ और जो उसमें जो गोत्र बने हैं वो गोत्र जो है सूर्यवंश में, ये ब्राह्मणों के गोत्र बने हैं जो उनके पुत्र थे। तो उनको ब्राह्मण ब्रह्मर्षि, क्योंकि विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि कहा गया, ब्रह्मर्षि को सप्तर्षियों में स्थान प्राप्त है, तो उनके जो संतान हैं, उनके जो गोत्र हैं, वो ब्राह्मणों के गोत्र कहलाए इसलिए। और वो जो गोत्र हैं वो चूंकि स्वयं क्षत्रिय थे, इसलिए उनके सारे संबंध जो है क्षत्रियों में होते हैं, यह योग्यता पात्रता है। अब हम आगे जो इस वंशावली का अगला भाग वर्णन अपनी अगली फिल्म में करेंगे।
जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।